हेलो दोस्तों, यदि आप अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करना चाहते हैं तो बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए कौन सा फल खाना चाहिए और उसमें कौन से मिनरल्स, विटामिन, न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। तो बिना समय गवाए चलिए आज की इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो पहले नंबर में है एक, एप्पल्स। सेब घुलनशील फाइबर से भरपूर होते हैं, विशेष रूप से एक प्रकार का फाइबर जिसे पेक्टिन कहा जाता है। घुलनशील फाइबर पाचन तंत्र में कोलेस्ट्रॉल के साथ जुड़ जाता है, जिससे इसे रक्त प्रवाह में अवशोषित होने से रोका जा सकता है। यह क्रिया LDL खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करती है। दो, बेरीज। स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, रास्पबेरी और ब्लैकबेरी जैसे जामुन पॉलीफेनोल्स और फाइबर नामक एंटीऑक्सीडेंट से भरे होते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट रक्त वाहिकाओं में ऑक्सीडेटिव तनाव और सूजन को कम कर सकते हैं, जो हृदय स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। जामुन में मौजूद फाइबर आंत में कोलेस्ट्रॉल के अवशोषण को कम करके कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में भी मदद करता है। तीन, सिट्रस फ्रूट्स। संतरे, नींबू, अंगूर और नींबू जैसे खट्टे फलों में पेक्टिन जैसे घुलनशील फाइबर और हेस्प्रिडिन जैसे फ्लेवोनॉइड होते हैं। ये घटक LDL कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम कर सकते हैं और HDL अच्छे कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ा सकते हैं। इनमें विटामिन सी भी होता है, जो स्वस्थ रक्त वाहिकाओं को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। चार, एवोकाडो। एवोकाडो फलों में अद्वितीय है क्योंकि यह मोनोअनसैचुरेटेड वसा, विशेष रूप से ऑलिक एसिड में समृद्ध है। यह स्वस्थ वसा HDL कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाते हुए LDL कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम कर सकते हैं। एवोकाडो में प्लांट स्टेरॉल्स भी होते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल अवशोषण को और कम कर सकते हैं। पांच, पियर्स। नाशपाती में सेब की तरह ही घुलनशील फाइबर की मात्रा अधिक होती है। नियमित रूप से नाशपाती खाने से आंत में पित्त एसिड के साथ जुड़कर और शरीर से उनके उत्सर्जन को बढ़ावा देकर कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद मिल सकती है। इस प्रक्रिया से रक्त में कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम हो जाता है। छह, ग्रेप्स। अंगूर, विशेष रूप से लाल और बैंगनी किस्मों में रेस्वेराट्रोल और फ्लेवोनॉइड जैसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट LDL कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीकरण और रक्त वाहिकाओं में सूजन को कम करके हृदय स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं। अंगूर में मौजूद फाइबर सामग्री कोलेस्ट्रॉल कम करने में भी योगदान देती है। सात, कीवी। कीवी एक पोषक तत्वों से भरपूर फल है, जो अच्छी मात्रा में विटामिन सी, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट प्रदान करता है। इन पोषक तत्वों का संयोजन LDL कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने और समग्र हृदय स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद कर सकता है। आठ, पोमेग्रेनेट। अनार पॉलीफेनोल्स, विशेष रूप से पुनिकालगिन्स से भरपूर होते हैं, जिनमें शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट LDL कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीकरण को रोकने और धमनियों में सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं। अनार का जूस पीना या बीज खाना कोलेस्ट्रॉल के स्तर के लिए फायदेमंद हो सकता है। 9. चेरीज। चेरी में एंथोसाइनिन नामक एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो रक्त वाहिकाओं में सूजन और ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करके कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद कर सकते हैं। चेरी का नियमित सेवन हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में योगदान दे सकता है। 10. पापाया। पपीते में पपेन और फाइबर जैसे पाचन एंजाइम होते हैं, जो स्वस्थ पाचन का समर्थन करते हैं। कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन के लिए पर्याप्त पाचन महत्वपूर्ण है। पपीते में मौजूद फाइबर सामग्री भोजन से कोलेस्ट्रॉल के अवशोषण को कम करने में भी मदद करती है। इन विभिन्न प्रकार के फलों को अपने आहार में शामिल करने से कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने और हृदय रोग के जोखिम को कम करने में मदद मिल सकती है। हृदय के सर्वोत्तम स्वास्थ्य के लिए इन फलों को संतुलित आहार के साथ मिलाना महत्वपूर्ण है, जिसमें साबुत अनाज, सब्जियां, लीन प्रोटीन और स्वस्थ वसा शामिल हों। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब करें। इस जानकारी को अपने दोस्तों और रिलेटिव्स को भी शेयर जरूर करें, जिससे कि उससे भी ये जानकारी प्राप्त हो सके और वे सभी स्वस्थ और खुश रह सकें। अपना ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर करें। आपका फीडबैक हमारे बहुत ही वैल्यूएबल है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नया हेल्थ रिलेटेड वीडियो को लेकर। तब तक आप सभी हमेशा खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए दिल से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।